ये हेलो जी, मैं कहाँ पर हूँ? हेलो, कोई है? यार ये मैं वेगस सिटी से कहाँ पर आ गया अभी? ये कोई है? त्यागी? हेलो 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 आरिड, कोई बाहर आया है, दरवाजा हेलो, खोलना जल्दी से। ये हेलो, ये कौन सी जगह है? मुझे फॉलो करो। ओके, ये है हमारे मेयर। हेलो मेयर, कैसे आए? मैं बाहर में, मेरी आंख खुली, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मैं अपने दोस्तों के साथ था और जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ। तुम सब घर जाओ अपने अपने। तुम मेरे पीछे आओ। हाँ ओके, वैसे ये बड़ी सी कुत्ते या बिल्ली या क्या चीज की हड्डी है? ये अजीब सी कुछ है क्या ये? कई सौ सालों पहले एक ड्रैगन आया था यहाँ, और एक व्यक्ति आया था आसमान से जिसने ड्रैगन से लड़ने में हमारी मदद की थी। अच्छा, तो क्या ये उस ड्रैगन की हड्डी है? तो हाँ, और ये हमारे भगवान, वैसे इनका नाम क्या है? इनका नाम है श्री लंडवती छापति महाराज। काफी अच्छा नाम है, मानना पड़ेगा। काफी अच्छी तरह से इन्होंने नाम सोचा था। वैसे क्या आप बता सकते हो कि ये कहाँ से आए थे? हमको तो नहीं पता ये कहाँ पर से आए थे, क्योंकि उस समय हम पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन हमें एक और बंदा मिला आपकी तरह। आप उसे देख के पहचान सकते हो शायद, कैसे? मेरी तरह मतलब? आपकी तरह, मतलब आपकी तरह वो बाहर से आया था। अच्छा यार, शायद मेरे दोस्तों में कोई हो सकता है। तो वो वैसे कहाँ है वो? वो अभी जेल में है। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हो? हाँ जरूर। ओके, तो चलिए। ये कौन है और ये गड्ढा क्यों खोद रहा है यहाँ? कौन? अरे त्यागी, मेयर साहब, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने इसे जेल में क्यों बंद रखा? ये मेरे दोस्त है। ये ना बंदा हमें चंपा के कोठे के सामने एक्सपायर्ड ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया है। त्यागी, तुम एक्सपायर ड्रग्स ले रहे ये थे? तुम जरा बताओगे त्यागी, तुम ड्रग्स क्यों ले रहे थे और ये सब क्या सीन है? मैं ड्रग्स नहीं रहा। अच्छा, से मैं बात करता। देखिए मेयर साहब, ये बंदा सच बोल रहा है, काफी शरीफ घर का बंदा है, काफी अच्छा मेरा दोस्त है। आप लोगों को कोई गलत फहमी है, तो क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? ये हमारे साथ है। ओके, तो चल अंडे, अब आज के बाद कभी उल्टे पुलटे हरकतें ना करियो। आप इसे निकाल दीजिए बंदर से। वैसे आपके कपड़े इंद्रधनुष के थोड़ा अलग अलग रंग क्यों बदल रहे हैं? ये जादुई कपड़े हैं, ये अपने आप बदलते रहते हैं। हम काफी ज्यादा अच्छे कपड़े, मुझे भी चाहिए वाइटी भी, हमें भी ऐसे कपड़े बनाने चाहिए ना। अरे अरे करते हर ले लेते। ये कुछ भी बोलता रहता है, आप इसकी बात को इग्नोर कर सकते हैं। तो वैसे हमें, अच्छा एक सेकंड मेयर साहब, देखिए हमें यहाँ से जाने का रास्ता नहीं पता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारे घर जाने का रास्ता कहाँ है? हाँ हम रास्ता पड़ता है, पर हमें तुमको हम बता नहीं सकते, क्योंकि अभी 100 साल होने वाले हैं, यानी कि 100 साल मतलब दूसरा ड्रैगन फिर से अटैक करने वाला है, और जब तक वो मरने वाले हो सही का है ना, जब तक हम उस ड्रैगन को हरा नहीं देते तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मतलब हम ही मर गए भाई टीवी। अरे ये खोल, अरे हम तो गाचे बोली आगे। कोई बात नहीं भाई टीवी, बहुत ड्रैगन मारे हमने, उस ड्रैगन को भी मार देंगे। हाँ सही कहा, हमने इतने ड्रैगन मारे हैं। हेलो ब्रो, क्या आप हमारी एक हेल्प कर सकते हो इस जगह से भागने में, क्योंकि हम यहाँ पर फंस चुके हैं। मैं तो नहीं कर सकता, बट एक है जो कर सकता है। कौन? कौन? सौदागर। सौदागर? कौन सौदागर, कहाँ मिलेगा हमें ये? इस वक्त वो चंपा भाई के कोठे में मिलेंगे। ये चंपा भाई का कोठा कहाँ है? अबे जहां पर तू ड्रग्स ले रहा था, तो ओ अच्छा, ओ चलते हैं। चलो फिर।
अरे डीकॉन सी आई वो जगह है कोठा वो। तो ठीक है चलो अंदर चलते फिर। ये सौदागर कहाँ है? वहाँ उस चेयर में। अच्छा ओके थैंक्स। सौदागर आप हो क्या? क्योंकि हमें आपसे एक हेल्प चाहिए, हम चाहते हैं कि आप यहाँ से हमारे भागने में हेल्प करो। मैं डट्टो का सौदागर हूँ, बिना डट्टो के कुछ नहीं करता हूँ। कौन से काफी असली लाए चलते हैं। बात है इसकी शक्ल और बातें दोनों काफी ज्यादा वाहियात लग रही है। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो भाई टीवी चलते हैं। रुको रुको रुको, इस तरह से तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो किस तरह से जा सकते हैं? मेरा मतलब तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो कैसे जा सकते हैं? सर ये दोनों बहुत बोल नहीं रहे। चलो मैं कोने में इनकी गुड्डी मरोड़ दूं क्या? आप बोलते हो तो। ए बी सी डी, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? किससे? किससे? मेरा मेरा मतलब मुझसे। पता है मैं कौन हूँ? तो अच्छा तो चलो ना एक काम करते हैं, मेयर को उसके बारे बताते हैं, उसके बाद इनकी अच्छे से सुताई होगी। अरे रुको, मैं तो बस ये बोल रहा था कि ऐसे नहीं जा सकते बिना मुझसे हेल्प लिए। ये देखो इस गया है तो कभी जिंदा नहीं बचा है। सही कह रहा है वो। जी लोगे? नहीं नहीं चाहिए। तो सर चिकन लेग पीस? अरे नहीं चाहिए। तो सर बटर टिक्का, दम बिरयानी, गाजर का हलवा, ड्रग्स, गांजा? अबे डोरेमोन की पॉकेट लेके घूमता है क्या? भागता है यहाँ से। अरे कौन सही है यहाँ से चलते हैं वापस। चलने का मतलब है ना मुड़ता हूँ इसके मारे। सही कह रहे हो, हमें घर चलना चाहिए। चलो डीकॉन्स, ये मतलब हाँ? कैसी जगह है ये? क्या अजीब जगह है। लाइक जैसे मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने एक बंदे से पूछा कि टाइम क्या हो रहा है, तो बंदा लाइक ऐसे रिएक्ट करने लगा कि जैसे कुछ उसे टाइम नाम की कोई चीज पता ही नहीं, जैसे टाइम एग्जिस्ट करता ही नहीं यहाँ। और ये क्या मतलब कैसे है यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ की टेक्नोलॉजी? इन्हें टाइम का नहीं पता लेकिन इनकी जो कल्चर टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल हमारी जैसे है, बहुत एडवांस है। देखो ऐसा शायद हो सकता है इस वजह से, क्योंकि जब हम लोगों ने सातों चाबियों का यूज किया था एंड जब हमने पोर्टल खोला था, वैसे तुम्हें याद होना चाहिए कि हमें सिर्फ छह ही लोग पोर्टल के अंदर गए थे, हम बाकी लोग बाहर छूट गए थे, नहीं आ पाए थे। एंड जैसे हम लोग वेगा सिटी पहुंचे, वैसे हम लोग जैसे हमारी आंखें खुली, हम लोग यहाँ पर थे, हम में से दो लोग यहाँ थे, बाकी लोग कहाँ है हम नहीं जानते। एंड शायद हो सकता है कि हमारे और बाकी के जो टीममेट्स थे वो पीछे रह गए हों, ये भी पॉसिबल है। तो हो सकता है कि उनकी के मैजिक की वजह से हम लोग किसी और डायमेंशन में आ गए हों, या किसी और टाइम में आ गए हों, या किसी ऐसी ऐसे वर्ल्ड में आ गए हों जहाँ पर लोग अभी तक टाइम की डिस्कवरी नहीं कर चुके हों, ये पॉसिबल है। तो शायद इसी वजह से ये लोग मतलब हमारी सारी बातें नहीं समझ पा रहे। मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन कोई भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन बात अब यह है कि अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? देखो अकॉर्डिंग टू मी कि अगर हम किसी और वर्ल्ड में आए हैं या किसी और पैरेलल वर्ल्ड में आ चुके हैं, जिसकी बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि हमारे वर्ल्ड में एंडर ड्रैगन सिर्फ एंड डायमेंशन में होता है, लेकिन यहाँ पर ओवर वर्ल्ड में भी एंडर ड्रैगन है जैसा इन्होंने कहा जो आ सकता है, तो इस हिसाब से यहाँ से निकलने का क्या रास्ता है ये तुम खुद सोच सकते हो, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है बता पाना कि क्या हो सकता है।